नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर। एमपी यूपी में बारिश से 24 घंटे में हुई 34 लोगों की मौत। हिमाचल में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, तो वहीं लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह समर्थक के खिलाफ एनआईए का एक्शन, कई ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, एक ही रात में भेड़िए ने 3 जगह किए हमले, बच्चे सहित कई लोग घायल, दहशत में रत जगा कर रहे लोग। बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा, सेंसेक्स में 20 अंक तो निफ्टी में 10 अंक की रही गिरावट। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा की राजनीति के जाने माने जिंदल परिवार में राजनीतिक मतभेद सामने आ रहे हैं। दरअसल भाजपा सांसद नवीन जिंदल हरियाणा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। वहीं उनकी मां सावित्री जिंदल भाजपा के खिलाफ हिसार में चुनाव लड़ रही हैं। बता दें, सावित्री जिंदल हिसार से टिकट मांग रही थी, मगर भाजपा ने पूर्व विधायक कमल गुप्ता को फिर से टिकट थमा दिया। सावित्री इस बात से नाराज हो गई थी। उनका कहना था कि पार्टी हाईकमान ने लोगों की भावनाओं के अनुरूप टिकट नहीं दिया, क्योंकि हिसार उनका परिवार है, इसीलिए वे लोगों की भावनाओं के साथ हैं और यहां से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी। आपको ये भी बता दें कि जिस समय हिसार में सावित्री जिंदल निर्दलीय नामांकन भर रही थी, उस वक्त उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा में भाजपाइयों के नामांकन भरवा रहे थे। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार मेरा शहर है और लोगों की भावनाओं को देखते हुए नामांकन भरा है। सावित्री जिंदल ने यह भी कहा कि वह कांग्रेस की टिकट नहीं चाहती थी, इसीलिए पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे रही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम भी शामिल है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की भी चुनावी रैलियां होंगी। खास बात यह है कि अभी हाल ही में कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर राजनीतिक दंगल में कूदने वाले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। कांग्रेस की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य भूमिका में रहेंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की चुनावी रैलियां होंगी। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। वहीं सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बताते चले कि स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, हिमेंद्र बिस्वा शर्मा, भजन लाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और तो और साथ ही कई सांसद भी बीजेपी नेताओं के समर्थन में वोट मांगेंगे, जिनमें अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी, विप्लव कुमार देव, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुज्जर भी शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति नेताओं में लगातार बयानबाजी जारी है। वहीं इस कड़ी में अनिल विज ने भी कांग्रेस को बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि अंबाला छावनी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब धड़ों में बट चुकी है और हर धड़ा अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। साथ ही विज ने चुनौती देते हुए कहा कि हमारा मुकाबले में चाहे कोई भी आए, मैंने यहाँ तक कह दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी भी आकर चुनाव लड़ ले, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। बताते चले कि अनिल विज ने दावा किया कि अंबाला छावनी की जनता सब जानती है और भाजपा के साथ है,
भाजपा की नीति और विकास कार्य जनता के सामने है और इसी के आधार पर उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीएम मोदी की रैली को लेकर मुख्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से सभी विभागों के शिक्षकों, गैर शिक्षकों और विद्यार्थियों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत आज शुक्रवार को रिहर्सल के चलते और अगले दिन मोदी के आगमन को लेकर द्वितीय द्वार से प्रवेश बंद रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री की शनिवार को थीम पार्क में होने वाली रैली को लेकर शहर और रैली स्थल को अभेद्य दुर्ग में तब्दील किया जाएगा। रैली स्थल से 2 किलोमीटर दूर तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इसे लेकर पुलिस और लोक व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ADGP ने रैली स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था जांच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रैली स्थल के अंदर और बाहर भी बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। आपको बता दें कि सप्ताह भर से रैली स्थल को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले रखा है। एंटी बम दस्ता व डॉग स्क्वाड की टीमें रैली स्थल व आसपास के होटल, सराय, यात्री निवास व धर्मशालाओं की जांच कर रही हैं। साथ में ये भी बताते चलें कि बिना मंजूरी और जांच के लिए किसी को भी रैली स्थल में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रैली में काले रंग के कपड़े, पेन और महिला पर्स ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में मानसून की वापसी का सिलसिला अमूमन 15 सितंबर से शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। बता दें ओवरऑल मानसून वापसी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन मानसून विभाग का कहना है कि इस संबंध में तारीख निश्चित करना जल्दबाजी होगी। वहीं समय प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जहाँ अगले 48 घंटे तक तेज बारिश होने का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं बात करें उत्तर भारत में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मानसून की वापसी में देरी देखी गई है। पिछले 7 सालों में देखा गया है कि सबसे जल्दी मानसून की वापसी 20 सितंबर को हुई थी, तो वहीं पिछले साल 2023 में 25 सितंबर को मानसून की वापसी धीमी गति से शुरू हुई थी, जिसमें दिल्ली से मानसून की अंतिम विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई थी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।